दोस्तों, मोबाइल को तेजी से चार्ज करने के 5 तरीके। आप चार्ज करते हैं, लेकिन सही तरीके से यदि चार्ज करेंगे तो बहुत ही स्पीड से चार्ज होगा। आप क्या गलतियां करते हैं, आज मैं उन गलतियों को बताने वाला हूं और तरीका बताऊंगा कि आप कैसे उस 5 तरीकों में से आप कोई भी एक तरीका यूज करें जिससे आपके मोबाइल की बैटरी बहुत ही स्पीड से चार्ज होगी। चलिए देखते हैं वो कौन सा तरीका है। जैसे हमें से कई लोग उस वक्त बेसब्र हो जाते हैं जब हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होता है और फोन के पूरे चार्ज होने तक हमें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। हालांकि इसके समाधान का कोई जादुई तरीका नहीं है, लेकिन कुछ नुस्खे हैं जो बैटरी को अच्छे खासे तरीके से चार्ज करने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिसे आप आजमा सकते हैं। पहला, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दें। ये एक बहुत साधारण सा नुस्खा है जिससे आपका फोन तेजी से चार्ज होता रहेगा बिना उसके सभी फंक्शंस को बंद किए हुए, जैसा कि फोन को पूरी तरह से बंद कर देने पर होता है। ये देखिए, ये है फ्लाइट मोड। जब आप फोन को फ्लाइट मोड पर डाल देते हैं तो इससे कॉल करने, इंटरनेट ब्राउजिंग या जीपीएस जैसी फीचर्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ फायदा भी है कि आपका फोन तेजी से चार्ज होता रहेगा और फोन का अलार्म चालू रहेगा, जो बहुत काम की चीज होती है। अगर आप फोन रात के वक्त चार्ज कर रहे हैं तो इस तरीके से की गई चार्जिंग को अगर शानदार ना भी कहा जाए तो भी ये असाधारण तरीके से कम समय में होती है। इसे पूरी तरह बंद कर दें। आप अपने मोबाइल फोन को पूरी तरह से बंद कर दें तो मोबाइल फोन चार्ज करने के बारे में फैली हुई बहुप्रचारित मिथकों से यह है कि अगर आप इसे चालू रखकर चार्ज करेंगे तो ये खराब हो जाते हैं, लेकिन यह गलत है। चालू मोबाइल को चार्ज करना नुकसानदेह नहीं है। हालांकि ये सही है कि जब मोबाइल बंद रहता है तो जल्दी चार्ज हो जाता है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के मोबाइल पर लिखे गए लेख में ये समझाया गया है। इसे यूएसबी पोर्ट से चार्ज ना करें। मोबाइल फोन यूएसबी पोर्ट की बजाय बिजली से ज़्यादा जल्दी चार्ज होता है। एक उदाहरण के लिए एप्पल फोन के किसी कंपनी का सुझाव होता है कि मोबाइल को फोन एडाप्टर के साथ मिले यूएसबी केबल के जरिए दीवार पर लगे बिजली के पॉइंट से चार्ज करें। इसे उचित तापमान में रखें। चौथा, ज्यादा तापमान बैटरी के चार्ज रखने की क्षमता को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए एप्पल आश्वस्त करता है कि गर्मी की वजह से बैटरी के प्रदर्शन में सबसे ज्यादा कमी आती है और फोन को सूरज से दूर रहने की सिफारिश करता है। इसलिए जिन घरों या फोन कवर में गर्मी बढ़ जाती है उससे भी चार्ज करने का समय बढ़ जाता है। आधिकारिक चार्जर इस्तेमाल करें। सभी चार्जर एक जैसे नहीं होते, भले ही ऐसे लगते हों। सबसे अच्छा ये होता है कि हमेशा आधिकारिक चार्जर फोन का ही इस्तेमाल करें जो सुरक्षित तरीके से सबसे अच्छे परिणाम देता है। वास्तव में अनाधिकृत चार्जर के इस्तेमाल से समस्याएं बड़ी खड़ी हो सकती हैं। यहाँ तक कि फोन अच्छी तरह से चार्ज होना बंद हो सकता है या देर से भी चार्ज होगा। अगर आप असली चार्जर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अच्छी क्वालिटी का चार्जर आजमाएं। तो दोस्तों, आपको ये ट्रिक कैसी लगी? फोन के 5 तरीकों से चार्ज करने की स्पीड से आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर करिए ताकि और दोस्त आपके इस ट्रिक का यूज कर सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो इस तरह की ट्रिक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तो वेलकम है।